ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਸ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਉਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੂੰ मैं पूछ रही हूँ कौन हो तुम? ये गाड़ी में क्यों छुपी हो? कुछ बोलोगे? कौन हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? किसका पीछा कर रही थी? बोलो जवाब दो, कुछ पूछ रही हो तुमसे? अरे एक सेकंड कहो बस के भागोगे तुम? हाँ जवाब दो मुझे, कौन हो तुम? हाँ और इस गाड़ी के अंदर क्या कर रही थी? क्यों छुप रही थी? किसका पीछा कर रही हो? बोलोगे? वो लड़की जो गाड़ी से उतरी थी ना, क्या नाम था उसका? आसमा? क्या करने वाली तुम उसके साथ? जवाब दो, क्या करने वाली हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। लो ये मुझे पकड़ा दो। क्यों? मेरा बोझ उठाने से तुम्हारा गिल्ट खत्म हो जाएगा क्या? और वैसे भी ये ना, ये औरतों की हेल्प करना ना मर्दों की ही ईगो का पार्ट है, नहीं? और ध्यान से। वैसे मर्द की ईगो और औरतों के नखरों में ज्यादा फर्क नहीं है, है ना? मुझे खुद से दूर भेजते रहोगे तो ऐसे उठाओगे कैसे? हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं घर पहुंचते ही राजा को दवाई दे दूंगा। हाँ जी, जैसे आपने कहा है वैसे ही। आलिया, 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 गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, आलिया, हाँ रोक रहा हूँ, रोक रहा हूँ, रोक दी, आलिया, राजे, कहाँ, राजे, कहाँ, राजे, राजे कोई नहीं है, आलिया को देखा है, राजे कोई नहीं है, मैं उसे छोडूंगा नहीं, राजे कोई, कोई नहीं आलिया, दूर भागो। राजा संभाल अपने आप को, देखा मैंने
कुत्ते का है वो? वही थी, नहीं थी वहाँ पे राजे, कोई नहीं था, कोई नहीं था वहाँ। आसमान जल्दी चलो, राजे वहाँ कोई नहीं था, मैंने देखा वो, मैंने देखा है, मैंने देखा आलिया दी भाभी वो। कहीं ये आलिया फिर से कोई खेल तो नहीं खेल रही? रुको, रुको, रुको। कौन हो तुम? कैसे जानती हो आसमा को? क्या मतलब है तुम्हें उससे? बोलो भी कौन हो तुम? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मेरा मकसद कुछ और है। तुम दूर हो इन सबसे। अपनी बकवास बंद करो, सच सच बताओ क्या करने आई हो यहाँ तुम? क्या काम है तुम्हें आसमा से? बोलो, बोलो। बेहद खास। राजे, 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 चलो चलो मम्मी, मम्मी चलो बात चलो। लेकिन राजा दरवाजा बंद कर दो प्लीज। छोड़ो, आलिया ने झूठ बोला भाभी, नहीं छोड़ूंगा आलिया को, मारूंगा मारूंगा उसे, मारूंगा 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 मारूंगा। अरे जब हम राजा को नहीं संभाल पाए तो वो क्या संभाल लेगी? और राजा ने कुछ कार करा दिया ना तो उसका पुलिसिया बाप हमारे सिर पे सवार हो जाएगा। वो संभाल लेगी, तुसी बीपी नाम दाओ आपका, उसे ठंड रखो। गंदी आलिया, झूठ बोला उसने। हाँ राजा, ये टॉय किसने दिया था आपको? डैडी जी ने। मेरे को मुझे अच्छी लग रही। मेरी है। और ये मंकी? हेलो हेलो, ये भी मेरा है। मम्मी, मम्मी ने दिया था। हाँ मम्मी ने दिया। ये बॉल, ये तो मैं रख सकती हूँ ना, पर ये दिया किसने था आपको? चाचा जी ने दिया था। हाँ हाँ, बर्थडे पे दिया था। राजा ठंड आ गई है और ये स्वेटर कितना प्यारा है, मैं रखूँ? नहीं, तुम क्यों रखोगी, ये तो मेरा है। दिया किसने था आपको? दादी। दादी, माता की चुन्नी किसने दी आपको? ये चाची ने दी थी, जब वो माता रानी का जागरण किया था ना। हाँ। तब दी थी। जोर से बोलो, जय माता दी। राजा, ये रूबिक क्यूब्स किसने दिए थे? ये तो मुझे खेलने नहीं आता राजा। वीरे ने दिए थे आपको? नहीं चाहिए, मेरा गंदा है। मेरा गंदा है? पर उससे ज्यादा गंदी आलिया नहीं थी? आलिया भी गंदी है, है ना? वो भी गंदी है। हाँ, ये टॉय तो आलिया ने दिया था ना आपको। गंदी। हाँ, एक तरीका बताऊं गुस्सा निकालने का? पकड़ो ये भी, पकड़ो। अच्छा, ये टॉय तो आलिया ने दिया था ना, पर ये तो फट गया। अच्छा हुआ, नहीं चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिए तो आप क्या बाकी टॉय से उनके साथ नहीं खेलोगे? खेलोगे ना? खेलूंगा। माना कि आलिया ने आपके साथ बुरा किया और आप बहुत हर्ट हो, पर मम्मी जी, डैडी जी, चाची, चाचू, मैं, बेबे, अरमान, कनु, मनु, इन सबका प्यार भूल गए आप? सब कितना प्यार करते हैं आपसे, आलिया के प्यार के आगे हमारा प्यार कुछ भी नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि आपको बहुत हर्ट होता होगा कि आलिया ने अरमान के लिए आपको यूज किया, पर राजा
अब ये बात जितनी जल्दी भूल जाओगे ना उतना अच्छा है आपके लिए भी और अरमान के लिए भी। आपको पता है आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार अरमान खुद को समझता है, खुद को माफ नहीं कर पा रहा। आपको पता है आपके वीरे में आपकी जान बसती है, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे, पर आप खुश नहीं हो, अरमान खुश नहीं है, तो हम सब कैसे खुश हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना राजा। पता है आपको, जो चीजें जिंदगी में पीछे छूट जाती है उससे कई ज्यादा जरूरी होता है उसे संभाल के रखना जो बच गया है, वरना इंसान बिल्कुल अकेला रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। राजा, अपने वीरे को आप कभी माफ नहीं करोगे क्या? वो आपसे इतना प्यार करते हैं, अगर आप पुरानी चीजें नहीं भूलोगे तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। प्लीज। क्यों क्यों माता रानी, क्यों आप मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे हो? बहुत हो गया। नहीं राजा को डर जी, मैं आपको माफ नहीं करूंगा वीरे, हम तो दोस्त थे ना वीरे, हाँ बेस्ट फ्रेंड थे ना, क्यों किया आपने? हाँ मैं आपको माफ नहीं करूंगा, आपको माफ नहीं करूंगा, क्योंकि जो हुआ उसमें मेरी भी गलती थी, मैंने आप पे हाथ उठाया, गोली भी चलाई आप पे, मैंने आपको बहुत तंग किया ना, सबको सबको बहुत तंग किया ना वीरे, तो आप मारो मुझे राजे, मारो मारो राजे, मारो राजे, छोड़ मारो, क्या कर रहे राजे, चुप मारो ना, मुझे राजीव, तू जान है मेरी, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू, मुझे माफ कर दे यार। आसमा, तो जादू करके दिखा दिया पुत्र, जो बड़े बड़े डॉक्टर ना कर सके वो तूने कर दिया। आसमा, तूने दो भाइयों को फिर से एक कर दिया, जिंदी रह पुत्र, खुश रह। चलो भाई, अगर भरत मिलाप हो गया हो तो चलो खाना वाना बनाओ, साफ सफाई करो। हाँ जी, चलिए मम्मी जी बाहर चलते हैं, सरसों के साग में तड़का भी लगाना है। पुत्र, मक्की की रोटी भी बनानी है, मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग ही अच्छा लगता है ना। चलिए मम्मी जी, हम लोग बाहर चल के अपने खाने की तैयारी करते हैं। आ जा। रुको, लक्ष्मण रेखा के बारे में सुना है ना तुमने? अब देखो,
ये है सुखी रेखा, जो इसे पार करेगा उसे मेरे हिसाब से रहना होगा। और जो मेरे हिसाब से नहीं रह सकता वो इस घर की चौखट के बाहर ही रहे। और इन्हें क्या लगता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलता? मैं दिखाता हूं इन्हें, निकालता हूं इनकी सारी हेकड़ी। मम्मी जी, अब जब इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी है तो थोड़े चैलेंजेस तो आएंगे ना। अब हमने औरतें होने का दम भरा ही है तो इन मर्दों का दम निकाल के ही दिखाएंगे। चक्रे फट्टे। आसमा, पुत्र जाके सब्जी धोने के लिए पानी लिया? जी मम्मी जी। इन औरतों को क्या लगता है कि हम मर्द लोग खाना नहीं बना सकते? वो सब आता है मुझे खाना बनाना। आज मैं तुमको पुलाव बना के खिलाता हूँ। रोटी बनाएंगे, बढ़िया। और ना साग, साग बनाएंगे अपने हाथों का। मुझे ना वीरे ने बता दिया है कि हमारा ना कंपटीशन है औरतों के साथ, देखना हम ही जीतेंगे। आप ना साग बनाओ। ठीक है पुत्र, साग भी बनाता हूँ। वीर जी, रोटी ही बनेगी या सब्जी भी बनाएंगे हम लोग? वो सारे काम मैं करूँ, तू भी कुछ कर ले, जाके सब्जी काट ले। चाचू, वो शहीद करेगा सब्जी को? आपसे ना हो पाएगा, मैं करता हूं। राजे, आटा गुन्नो। ओए, कटा लिया ना हाथ? अरमान, ये तो कट गया। मैं बैंडेज लेके आऊं? नहीं नहीं, ओ राजे, कुछ नहीं हुआ, मैं ठंडे पानी से हाथ धो लेता हूँ, ठीक हो जाएगा। तेरी भाभी भी ऐसे ही करती है। कट गया खून। तुम साफ साफ बताओ, तुम आसमा को कैसे जानती हो? क्या मकसद है तुम्हारा? तुम चाहती क्या? कर क्या रही हो यहाँ तुम? मेरे पास सिर्फ 2 दिन है, इन 2 दिनों में मुझे अपना मकसद पूरा करना होगा। हेलो, क्या सोच रही हो? कुछ बोलोगी? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। उस रात हम एक मकसद पूरा करने आए थे जो कि उस आसमा की वजह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करो तो जितने पैसे तुम बोलोगी तुम्हें मिल जाएंगे। मकसद क्या है तुम्हारा?
किसी की जान मान तो नहीं ले रही ना? देखो मैं इन सब फालतू के चक्कर में नहीं फंसने वाली। किसी को कुछ नहीं होगा सिवाय उस आसमां के। तो इस परिवार के साथ रहने लायक ही नहीं। ठीक है, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। तो मिलाओ हाथ।